नाज़रीन आज अपनी महफिल का आगाज कर रहे हैं अपने अरब दोस्तों की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? आयो जुनैद सलीम मुसीबत शदीद अज़ियत मजीद। व्हाट हैपेंड तुन? या अंग्रेजी बोलें तुन या अरबी बोलें तुन, बात ये सुनाना तुन, इरादा बनाना तुन, पाकिस्तान में शादी कराना तुन, पर पाबंदी लग गई तुम। पाकिस्तान समेत चार मुल्कों पे सऊदी अरब ने अपने मर्दों पर पाबंदी लगा दी है कि इन मुल्कों की खवातीन से आप शादी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अच्छा भला पाकिस्तान में शादी का प्रोग्राम बनाया तुम, हमारी हुकूमत ने शादी पे पाबंदी लगा दी तुम। विच आईवा कर दे तुम, अरबी लग दे तुम। आईवा। अच्छा सर, वैसे ये पाबंदी लगी क्यों है? चार मुल्कों पे पाबंदी लगाई है कि सऊदी मर्द इन मुल्कों की खवातीन से शादी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाड। अच्छा, मगर इनकी तादाद पहले ही बहुत ज्यादा है। यानी तौर भी बाकी तीन का तो ये कहा तुन, पाकिस्तान पे शादी की पाबंदी इसलिए लगाई तुन कि सारे सऊदी जितने भी पाकिस्तानी खवातीन से शादी कर दे तुम, वो महीने डेढ़ बाद अपने घर दे पांडे मांग दे तुम। वो फिर उधर हुकूमत को बताया तुम, उधर बड़े बड़े एंकर बड़े बड़े ऑफिसर भी पांडे मांग देते। ऐसी बातें ना करे, बीवी के थल्ले लगने वाली। हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि ये शेख नहीं है, अरबी नहीं है, अजीजी गेटअप करके बैठा। ये क्या बात करता तुम? खली वाली मैं भी मुश्किल है वाहिद इतने इंतलाक तो हर बार खमसा सीता जरा तमाली आ जाता है सीता का पता का मौजूद है मैं फिर खली वाली कौन सुना अरबी है मग नहीं अनंत अरबी पक्के अरबी बल्कि पक्के रंग दे अरबी आजा मजबूत उन आजा सर जुनेदुन साडे ते पाकिस्तानी औरत ना शादी दी तां पाबंदी लगी तुन ए चार पांच औरतां रल के अपने खावन ते तवीज तागा करवांदियां। आई वाह ए गल नहीं तुन, सही बात बतांदा तुन मिस्टर जुनेदुन, इसलिए हम पे पाबंदी लगी तुन पाकिस्तानी खातून के साथ शादी करने पे तुन। पाकिस्तानी खातून के साथ शादी कर दा तुन, अरबी होवे तुन, अंग्रेज होवे तुन, पंजाबी होवे तुन, सिंधी होवे तुन, बीवी दे नाल शॉपिंग पे जांदा तुन, बीवी बच्चे भी खावंद को चुकांदी तुन, शॉपिंग वाले थैले भी खावंद के हाथ में फड़ांदी तुन, और क्रेडिट कार्ड भी खावंद दा इस्तेमाल कर दी। तो आप क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड अपनी बीवियों को ना बताया करें? तो कुरान चुक के गल कर दा तुन, तो अपनी बीवी को क्रेडिट कार्ड दा नंबर लुका सकता तू? वाह की गल कर दा तुन, घर विच रहना तुन, कार्ड देना पैना तुन, नहीं ते राती गेट दे नाल सोना तुन, संगीत नाउन दिच्ची नपती तुन। सब तो ज्यादा तो मैं मारा गया तुन, उन्हां चौं मुलगां ते पाबंदी लाई तुन, जिथों मेरे रंग दा रिश्ता लभ जांदा तुन। क्यों घबरांदा तुन, क्यों घबरांदा तुन? युगंडा खुल्लुन, युगंडा खुल्लुन। अच्छा, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इन चार मुल्कों की खवातीन पर तो पाबंदी लगा दी है ना, अगर आप लोग किसी और मुल्क की खातून से भी शादी करना चाहते हैं तो पहले सऊदी हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेनी पड़ेगी। देखो ना जरा तुम, ये क्या कानून उन हुकूमत होनी या पहली बीवी तुम? पहली बीवी से इजाजत लेना बंदी तुम, हुकूमत से इजाजत किस बात की लेना तुम? निजी मामला तुम, उसी कौन होते तुम? अच्छा या शेख, कुछ कामों के हवाले से भी पाबंदियां लगाई गई हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन? वो भी जुल्म और जुल्म शदीद विच करना। आईवा तेनू आईवा वास्ते ले आंदे तुम, कम से कम विच आईवा तो कर दे तुम। आईवा नहीं करना तुम तो सीट बदल ला तुम। बात सुने उसमें देखे आप लोग और जो लोग दूसरे मुल्कों से आपके यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, उनका भी भला हो गया। देखे ना, एक कॉन्ट्रैक्ट का पाबंद कर दिया गया कि जितनी मुद्दत के लिए कोई मुलाजिम आपके यहाँ जाके जॉब करेगा वो उतनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने का पाबंद होगा, उसके बाद फिर उसकी मर्जी अगर वो अपना कफील चेंज करना चाहे। यही तो बात हो, ये काम खराब हो गया तो क्यों हमसे वो इजाजत लेंदा तुम, फिर अपनी मर्जी कर दे तुम। आई वाह।
पहले उसका कामा बेशक खत्म हो जाता तुन वो हमारे पीछे पीछे इजाजत लेने के लिए खज्जल होता तुन अब कामा खत्म होएगा तुन वो जितने मर्जी चला जाएगा तुन भी चायवा करता तुन आजा इतने ना बना तुन वो तू करी जा तुन तेरा केड़ा को पैसा लगता तुन आईवा बहुत काम खराब हो गया तुन अब सोचता तुन चुके फ्लाइटों पे भी पाबंदी लग गई तुन अब इधर ही कोई कारोबार शुरू करता तुन तो यार शायद क्या सोचा है आपने कौन सा बिजनेस करना है यार सोचा क्या तुन कई बिजनेस किए तुन नहीं चलने तुन कौन कौन सा किया यहाँ आके पता चला तुन अर्तुगरल बड़ा मशहूर होया तुन हमने सोचा तुन अपनी अरबी फिल्मों को इधर डब करके चला दे तुन उस पंजाबी में डब करके इधर बेचा तुन वो जो गाक आया तुन उन्हें क्या पहले दिखाओ तुन हमने दिखाया तुन हमने उस अरबी के ऊपर मौला जट भरी तुन बस वो जो विलन का रोल था तुन उसमें हमने वो डायलॉग बोला तुन नवाया ए सोनिया गाक ने बहुत बेइज्जत किया तुन वो कहते हैं केड़ा नूरी नाते नवाया सोनिया दे नाल इंजन क्यों नहीं करता तुम नवाया सोनिया मैं दसिया तुम उस बेचारे दे हाथ ते सट वज्जी तुम उन्हें कहा तू क्यों फिल्म विच पाया तुम दागी एक्टर साडे अगे बेचता तुम यार यार आप भी कोई नया आइडिया लेके आए ना नई फिल्म लेके ये इस तरह तो ना करे जो आप कर रहे हैं कोशिश की तुम टाइटैनिक बनाई तुन अच्छा। इन्होंने बताया तुन पाकिस्तानी फिल्म साजों ने तुन कोई पारा हीरो पाना तुन अच्छा यानी जी एनु पा लिया तुन अच्छा क्योंकि हमारे पास इससे पारा कोई बंदा नहीं तुन इसको हीरो डाला तुन वो बहरी जहाज वाले सीन में जाके इसने शूटिंग कराई तुन वो जहाज के आगे नुक्कड़ पे जाके हाथ खोल के खड़ा हुआ तुन जहाज आगे से डूब गया तुन जहाज की डूबे तुम साड़ी ते फिल्म ही डूब गई तुम पहली दफा सुने कि बहरी जहाज आके से दाबू हो गया ऊपर से वो जो उसमें रॉयल फैमिली वाला सीन तुम रॉयल फैमिली में इसको डाला तुम बस फिर फिल्म दा बेड़ा गरक हो गया तुम रॉयल फैमिली का रोल अगर उसको दिया था तो उसकी तो अपनी हंसी निकल गई होगी तो इसका क्या रोल था इसको तुम वो जहाज की तबाही का सीन शुरू होने से पहले वो जाके लगता तुन जहाज में से चूहे निकल दे तुन हम मर भी तुन हमें उस सीन के लिए चूहे चाहिए तुन हमें नहीं था पता पाकिस्तान में कहां से चूहे मिल दे तुन इसलिए हमने बतौर चूहा इससे काम लिया तुन उसमें तो बहुत सारे चूहे थे ये तो एक है इस अकेले से पहले पाजनस कराई तुन फिर कंप्यूटर के जरिए उसको मल्टीप्लाई कर लिया ये क्या फजूल बात है इसीलिए फिल्म आधा घंटा चली तुन बाकी ढाई घंटे कुर्सियां चल रही तुम अच्छा अरबी टाइटैनिक भी फ्लॉप हो गई बस आप हथी फ्लॉप की थी तुम क्यों सैनमे चलाई तुम ऐसा बेवकूफ मोटा तुम सैनमे के बाहर खड़ा हो गया तुम जेड़ा बंदा आया उन्होंने कह रहा अंदर ना जाना तुम फिल्म में पानी बहुत हो फिल्म का कारोबार भी फ्लॉप हो गया तुम कफीलों वाला काम भी खत्म हो गया तुम रिश्ते पे भी पाबंदी लग गई हूं ते ही कोई इल्तजा कर रहा है हुक्म करें हस्बे हाल इस भर्ती कर लो हस्बे हाल में आने के लिए दनाई हिकमत और दानिश की बातें करनी पड़ेगी क्या हो रही नहीं देर दे दूनी दा पहाड़ा सुना दे तुम या आखी जुनैदन ये तो सारे गरीब हो गए तुम मेरे सौदी रख दो तेल दे खून है मैं उसे वापस जाता तुम तेल दे खून दो में बेचता तुम बेच के इतने आंदा तुम तो खुदा का वास्ता मैंने सेनेटर लगवा दे तुम क्या सेनेटर्स की मंडी लगी हुई है ऐसे नहीं बनते और गैर मुल्की तो वैसे भी सेनेटर नहीं बन सकता बहुत अच्छा तुम बहुत अच्छा तुम अपनी गैर मुल्की बना देता तुम जो कर्जा लेना आता तुम उदो तो बरादरुन 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 उदो तो साड़ी गड्डी भी आप ड्राइव करता तुम हूं कहता तुम गैर मुल्की नहीं बनता तुम बहरहाल ये तो आईन का तकाजा है ओ सानू पता केड़ा तकाजा तुन तकाजा भी तुहाडा अपना हुंदा तुन पलटा भी तुहाडा अपना तुन जरूरत के मुताबिक तुसी अपना तकाजा परता लैंदा तुन अच्छा
मेरी बात सुने, आप पाकिस्तान में आ ही गए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो फूड बिजनेस क्यों नहीं करते? जबरदस्त यहाँ पे अरबी खानों के शौकीन है, धड़ाधड़ रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। गलती तेरी ठीक, रेस्टोरेंट भी खोले हैं तुमने, हो ही नहीं राजदा। जब आप रेस्टोरेंट खोले ना तो इसके मुंह पे छिकू बांध दे। एक बारी छिकू भी बन गया तुम, छिकू भी खा गया तुम।